धन श्री गुरु रामदास महाराज सोडी पातशाह बन गए ना। इतिहास कहिंदा है एक खबर जड़ी है, बाबा श्री चंद साहब नूं बाठ पिंड मिली। इको बाठ पिंड का अर्थ है जिते 62 साल बाबा श्री चंद साहब रहे, वो जगह का नाम ही बाठ साहब तां पे है। उत्थे 62 साल 62 ईयर बाबा श्री चंद साहब रहे, उत्थे तपस्या कीती, भगती कीती। उन्हां नूं उत्थे बैठिया खबर मिली, किसे चेले ने दस्या, कहिंदे जी गुरु नानक साहब दे तखत ते हुण पता कौन बैठा है। कहिंदे कौन? कहिंदे जी लाहौर दा कोई जतीम अनाथ सी, मां प्यो छोटे हुंदिया मुक गए, नानी ने पालिया, घुंगणियां वेचदे रहे, गोइंदवाल साहब उन्हां दी छन कुल्ली सी, उत्थे सेवा करदे रहे। गुरु अमरदास महाराज ने अपना दामाद बना लिया। बाद विच धन गुरु अमरदास महाराज ने उन्हां नूं गुरु रामदास चौथा पातशाह बना दिता। बाबा श्री चंद साहब कहिंदे अच्छा, कहिंदे वेखना चाहिए जाके, घुंगणियां वेचण वाला गुरु रामदास गुरु नानक दे तख्त दा मालक किवें हो गया। कोई जतीम अनाथ घुंगणियां वेचण वाला गुरु नानक दे तख्त दा मालक किवें बन गया, वेखना चाहिए। क्योंकि पहलियां तीन पातशाहियां बाहरी धन करके भी अमीर होए ने। गुरु नानक साहिब महाराज पटवारियां दे कलौते पुत्र ने, बहुत वड्डी जायदाद है बेदियां दी, और फिर 750 मरबा जमीन जड़ी है वह राय बुलार ने गुरु नानक साहब के नाम की। अज भी ननकाणा साहब गुरु नानक साहब के नाम है। श्री गुरु अंगद देव महाराज त्रिहण बड़े अमीर ने, बाबे फेरू मल का व्यापार चलता है, संगर तो लैके खडूर तो लैके हरी के पत्तन तक। फिर श्री गुरु अमरदास महाराज, वह वासर के गिल तो भल्लिया के बड़े अमीर ने, परिवार छोटा नहीं है, बड़ा अमीर परिवार है। पर अज गुरु रामदास महाराज घुंगणियां वेचण वाले गरीब जिन्हों लोग जतीम अनाथ कहिंदे सी, अज सिर ते छाबा धर के घुंगणियां वेचण वाले दे सीस ते सतर छतर झूलदे। अज बाबे श्री चंद ने कहा वेखना चाहिए घुंगणियां वेचण वाला गुरु नानक दे तख्त ते किवें बह गया। मैं संकेत विच कहां, जदों चल पैना बाठ तो श्री अमृतसर साहब आ गए, धन गुरु रामदास महाराज तख्त ते बैठे, संगत बड़ी जुड़ के गुरु के चरणा च कीर्तन हो रहा है, तो बाबा श्री चंद अपने चेलियां ना बड़ी मस्त चाल वे संगत में आए, उच्चा लंबा कद सुनहरी जटा। श्री गुरु रामदास महाराज ने वेख्या जटाधारी बाबा श्री चंद आए ने, बड़े अदब नाल गुरु रामदास महाराज ने हाथ जोड़ के नमस्कार करके खलो गए। इदा जदों गुरु रामदास महाराज तख्त उठ के खड़े हो गए, संगत वेखण लग पई सतगुरु क्यों खड़े होए ने, वेख्या कोई जटाधारी आया। जिहड़े बजुर्ग सी बाबा बुढ़ा साहब वर्गे उन्हां नूं तां पता सी, बाकी संगत नूं भी दसण लग पए बाबा श्री चंद आए, बाबा श्री चंद गुरु नानक साहब दे वड्डे पुत्तर। बाबे श्री चंद ने आउंदिआं गुरु रामदास महाराज जी नूं कहा, कहिंदे तुइयों गुरु रामदास है, ते हथ जोड़ के जी मैनू ही गुरु नानक का चक्कर गुरु रामदास कहिंदे ने, मैनू ही गुरु नानक के घर का गोला गुरु रामदास कहिंदे ने। ते अगों बाबा श्री चंद साहब सिर तो पैरां तक चंगी तरह वेख के कहिंदे गुरु रामदास दाढ़ा बहुत लंबा वधाया होया, कादे वास्ते इन्ना लंबा दाढ़ा क्यों वधाया? ते धन गुरु रामदास महाराज प्यार ते निम्रता च बोले, कहिंदे जी तुहाडे वर्गे साधुओं के चरण चाड़न वास्ते। इन्नी गल कहण दी देर सी, बाबे श्री चंद साहब दा अंदर दा हिरदा बह तुरिया। एकदम बाबे श्री चंद दे लंबे हथ जुड़ गए, जटाधारी सीस भी गुरु रामदास साहब वल झुक गया, ते अखां भर के जो बाबे श्री चंद ने कहा वह सुन वाले। भाई संतोख सिंह लिखते, सब तो पहला बाबा श्री चंद बोले, आंदिया कहिंदे श्री चंद तब गिरा उचारी,
काहे बधायो दाड़ी पारी। गुरु रामदास बोले कहिंदे आपके जैसे साधु जो है रामदास गुर निमर होवे कै कहो के आपके साधु जो है तिनके चरण पोछने कारण इमके लगे चरण ते चाड़न। तुहाडे वर्गे साधुआं दे चरण झाड़न लई बस इन्नी गल कहण दी देर सी। बाबे श्री चंद दा हिरदा वह तुरिया जटाधारी सिर गुरु रामदास साहिब वल चुक गया हथ जोड़ के बाबा श्री चंद साहब बोले कहिंदे श्री चंद खुश होए उचारा। खुश होके फिर बाबा श्री चंद बोले कहिंदे गुरु रामदास असी वेखण आए सी उह घुंगड़ियां वेचण वाला गुरु नानक दे तखत दा मालक किवें बन गया अज पता लगा तुहाडी निम्रता ने साडा घर लुट लिया जिहड़ा माड़ा मोटा मेरे विच सी अज तुसीं उह वी खोह लिया। बोले सो निहाल तुहाडी निम्रता ने साडा घर लुट लिया जो कुछ मेरे विच सी अज उह वी खोह लिया। बाबा श्री चंद बोले श्री चंद खुश होए उचारा इसी तौर घर लुट्टियो हमारा जो बाकी थी कुछ मोह में सो पिशीन ले सब तो ने जड़ी माड़ी मोटी सी मेरे च अज तुसी वह भी खो ली। धन गुरु रामदास महाराज नू धन गुरु रामदास कह के बाबा श्री चंद मुड़ गए। इन्नी गल कह के तुरे बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे। सो कहण तो